नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज को, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सुबह के बच चुके हैं सात और बड़ी खबर के साथ शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर है, तालिबान ने पंजशीर को लेकर एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा कर दिया है। पंजशीर को लेकर तालिबान का यह नया प्रोपोगंडा सामने आया। तालिबान का दावा है पंजशीर पर हमारा कब्जा हो गया है। साले और मसूद पंजशीर छोड़कर भागने के लिए दावा तालिबान का यह भी है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की हार की भी जानकारी तालिबान द्वारा है। फायरिंग पर तालिबान ने मनाया जीत का जश्न, फायरिंग की है और अपनी जीत का जश्न मनाया गया, ये दावा किया गया। एक नया प्रोपोगंडा हम इसको कह सकते हैं जो सामने आया है। तालिबान ने पंजशीर को लेकर यह नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा, रेजिस्टेंस फोर्स ने दावे को किया खारिज। पंजशीर पर आखिर किसका कब्जा, किसका है पंजशीर? काबुल से आ रही गोलियों की आवाज आप सुन रहे होंगे। यह अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने की खुशी नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐलान तो शायद आज किया जाएगा। ये गोलियों की आवाज दरअसल पंजशीर घाटी पर तालिबान की जीत के लिए है। तो क्या तालिबान विरोधी सेना का आखिरी किला भी ढह गया? क्या तालिबान ने पंजशीर में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? फिलहाल के लिए तालिबान के इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान के दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि पंजशीर अभी रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में है। We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory. Over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे को भी खारिज किया, जिसमें तालिबान ने सालेह के देश छोड़कर भागने की बात कही थी। There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. तालिबान का दावा है कि पंजशीर उसका हो गया है, जबकि दूसरी तरफ सालेह इसे बेतुका बयान बता रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन तालिबान ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि तालिबान पंजशीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है? क्योंकि अमरुल्लाह सालेह का ऑडियो तालिबान के इस दावे पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर पंजशीर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान के पंजशीर पर कब्जा करने का दावा जो है, अहमद मसूद ने उसको गलत करार दिया है। अहमद मसूद ने एक ट्वीट किया और कह दिया है कि पंजशीर की जीत की खबरें पाकिस्तानी मीडिया की ओर से आ रही हैं, ये झूठ है। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा, पंजशीर में मेरा आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। ये अहमद मसूद का ट्वीट जो है वो इस वक्त आपके सामने है। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा, पंजशीर में मेरा आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। तो ये जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तो पंजशीर की जीत की खबरों पर पाकिस्तानी मीडिया की ओर से आ रही जो खबरें हैं उस पर किस तरीके से सामने सफाई आती है वो आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के 2 सप्ताह के बाद आज तालिबान वहां के लिए नई सरकार का ऐलान कर सकती है। आपको बताएं, तालिबान प्रवक्ता ने नई सरकार के गठन की पुष्टि की और सूत्रों के अनुसार तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकार के नए मुखिया हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि तालिबान नई सरकार भले ही बना ले, लेकिन आतंक की पहचान तालिबान अफगान नागरिकों के दिल में अपने लिए भरोसा कहाँ से और कैसे ला पाएगा? एक रिपोर्ट।
बम बंदूक और हथियारों की बात करने वाला तालिबान अब अफगानिस्तान की सत्ता चलाने वाली कठपुतली सरकार के गठन की तैयारी में है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के चार दिन बाद तालिबान नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। पिछले कई दिनों से नई सरकार के गठन को तालिबान के नेता चर्चा कर रहे थे। नई सरकार का मुखिया तालिबान का दूसरे नंबर का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकता है। बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। वर्ष 1996 से 2001 तक जब तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन था, तब भी मुल्ला बरादर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि तालिबान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का शासन ईरान की तर्ज पर चलाएगा। ईरान में कैसे शासन चलता है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। ईरान में एक सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है, जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता का कद वहां के राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। सर्वोच्च नेता के आदेश पर ही सेना प्रमुख, सरकार और जजों की नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई हैं। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तर्ज पर तालिबान मौलवी हेबतुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी है। यानी अखुंदजादा ही अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा होगा। उसके ही आदेश पर अफगानिस्तान में सत्ता और सेना में बदलाव होगा। राष्ट्रपति बनने वाला मुल्ला बरादर भी हेबतुल्ला अखुंदजादा के नीचे ही काम करेगा। हेबतुल्ला अखुंदजादा मौजूदा समय में तालिबान का सबसे बड़ा धार्मिक नेता है। पिछले 15 साल से बलूचिस्तान प्रांत के कचलाक में एक मस्जिद में रह रहा है। अखुंदजादा कंधार में बीते कई दिनों से सरकार बनाने के सिलसिले में बड़ी बैठक कर रहा था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंधार में रहकर ही अफगानिस्तान को चलाएगा। और जहां तक बात संविधान की है, तो सूत्रों के मुताबिक तालिबान 1964-65 में बहाल किए गए अफगान संविधान को ही अपना सकता है, क्योंकि तालिबान उस संविधान को मानने के पक्ष में नहीं है जिसे बाहरी देशों ने तैयार किया है। तालिबान जो नई सरकार अफगानिस्तान के लिए बनाने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन के ही सदस्य रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में 25 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक परिषद में 12 इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होंगे। ये इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक कानून के हिसाब से सरकार चलाने में मदद देंगे। वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंत्री पद आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क और आतंकी मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी दिए जाने की संभावना है। तालिबान सरकार बनाने को लेकर बेताब है और काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन आज भले ही हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि अफगानिस्तान में अब इस्लामिक कानून ही चलेगा। बाकी अखुंदजादा या बरादर जो भी अफगानिस्तान की सत्ता चलाएगा, वो सब सिर्फ मोहरे होंगे, क्योंकि असली चेहरा तो चीन और पाकिस्तान में है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।